नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। जयराम ठाकुर द्वारा सीएम पद की शपथ लेते ही झूम उठी छोटी काशी मंडी। मंडी जिला को सीएम के साथ मिली दो कैबिनेट मंत्रियों की सौगात। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों का जमकर हुआ शोषण। सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान बोले युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा। बीती 21 दिसंबर को मंडी बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैलाने वाले युवक ने घर पर अपनी मां के न होने के कारण किया था कारनामा। ब्लू रियल गेम खेलता था युवक, इस कारण हो गया था युवक को साइको। और पंडो स्कूल के बच्चों ने किया पुलिस चौकी और पंचायत घर का भ्रमण। बच्चों को कानून व्यवस्था और यातायात की दी गई जानकारी। उधर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शपथ ग्रहण की, और इधर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर छोटी काशी झूम उठी। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सीएम की कुर्सी मंडी जिला को नसीब हुई है। यही कारण है कि मंडी जिला के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सीएम की कुर्सी मंडी जिला को नसीब हुई है। यही कारण है कि मंडी जिला के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस खुशी में और ज्यादा इजाफा तब हुआ जब सीएम के साथ साथ मंडी जिला को दो कैबिनेट मंत्रियों की भी सौगात मिली। धर्मपुर से सातवीं बार विधायक चुनकर गए महेंद्र सिंह ठाकुर और मंडी सदर से चौथी बार विधायक चुनकर गए अनिल शर्मा को कैबिनेट मंत्री के रूप में सरकार में शामिल किया गया है। यानी कि अब मंडी जिला के पास सीएम के साथ साथ दो कैबिनेट मंत्री भी है। मंडी जिला के लोग इस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सेरी मंच पर काफी देर तक नाच गाने का दौर जारी रहा। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इस जश्न में झूमते हुए नजर आए। लोगों ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश के नए सीएम और सभी कैबिनेट मंत्री अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए न सिर्फ मंडी जिला को बल्कि पूरे प्रदेश को एक नई दिशा देंगे। उम्मीदें बहुत सारी है, जैसे युवाओं को रोजगार, नए उद्योग, और सबसे ज्यादा ये जो हमारे हिमाचल में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है सारी, वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। और हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा हुआ है तो हॉस्पिटल में भी सभी को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। और बस जयराम ठाकुर से ये उम्मीद है कि वो खरा उतरे, हमारी हमारे सब के जो हमने लोगों ने भरोसा किया उस पर खरे उतरे सब। खाली मंडी जिले को नहीं, पूरे हिमाचल को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि एक निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। और जिले भर की सारी जनता ये चाहती है कि पिछले कई वर्षों से जो अपेक्षाएं मंडी को अपने नेताओं से, अपने मुख्यमंत्री से रहती थी, वो कभी पूरी नहीं हुई। और अब आशा है, भी नहीं पूरी उम्मीद है, कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और यहाँ से जो हमारे चुने हुए विधायक अपने जिले और पूरे प्रदेश के लिए इतना अच्छा काम करें कि आने वाले 20 वर्षों तक उन्हें कोई हिला ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
हिमाचल प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ग्रहण समारोह का कुल्लू जिला के ऐतिहासिक ढालपुर के रथ मैदान में सीधा प्रसारण किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल स्क्रीन के द्वारा लोगों को कुर्सियां लगाकर शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं सैकड़ों लोगों ने डिजिटल स्क्रीन के द्वारा लाइव प्रसारण का आनंद उठाया। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा से भाजपा सरकार को प्रदेश के लोगों ने खुलकर समर्थन दिया और 44 सीटों के साथ भाजपा सरकार सत्ता पर काबिज हुई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, प्रदेश के चारों सांसद सहित भाजपा के प्रदेश नेतृत्व मौजूद रहे, जिसका सुबह 10 बजे शिमला के रिज मैदान पर होने के साथ शपथ ग्रहण समारोह के सीधे प्रसारण का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। वहीं स्थानीय निवासी मोहर सिंह ठाकुर ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल स्क्रीन के द्वारा सीधा प्रसारण किया गया और लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां का उचित प्रबंध किया गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं और प्रदेश में सभी समस्याओं का समाधान के लिए गरीब परिवार से जुड़े जयराम ठाकुर प्रदेश की सभी समस्याओं से परिचित है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार गरीबों, पिछड़े लोगों के विकास के लिए योजनाओं के द्वारा उचित सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज लोगों को सड़क की खस्ताहाल स्थिति में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र के दूर दराज के लोगों को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं को देखते हुए नई सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। एक आदरणीय हो गया युवा ठाकुर जयराम अपने राज क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर जागी हुई है। लोअर ढालपुर से ये प्रोग्राम है, पहली बार देख रहा हूँ, 17 साल की उम्र हुई। बहुत अच्छा पब्लिक रिलेशन माने लोगों को प्रोग्राम दिखाया, कुर्सियाँ लगाई, सहूलत दी, सब चीज़ हुआ। और मुझे आशा है कि जिस ढंग से ये सरकार बनी, गरीब घर का मंत्री मुख्यमंत्री बना और ये हमेशा दुख तकलीफ लोगों की समझ सकता है। तीसरी बात है, आशा हम बहुत करते हैं, अब आशा पर आगे कितना निकलते हैं नहीं निकलते हैं वो अपने लिए काम करेंगे। आज हमारे को इतना अच्छा खुशी हुई ढालपुर ग्राउंड में देख के कि बहुत अच्छा प्रोग्राम पब्लिक रिलेशन माने सराहनीय किया, कुर्सी लगाई, मैट लगाया, बैठने को बनाया, सहूलत दी। नोटबंदी की समझ थोड़ी दिन अल्लाह उठाया, लेकिन जो अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान था या बुजुर्ग थे उनको अच्छा लगा। कुल्लू से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मनाली विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे मनाली के विधायक गोविंद सिंह ठाकुर को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंत्रिमंडल में शामिल होने से मनाली विधानसभा क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। मनाली की जनता ने गोविंद सिंह ठाकुर को मंत्री पद मिलने की बधाई दी और कहा कि हमें खुशी है कि लगातार तीसरी बार विधायक रहने के बाद मनाली विधानसभा को पहली बार मंत्री पद मिला है, जिसको काफी खुशी हुई है। ठाकुर जी के सबसे पहले तो मंत्री बने हुए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, मनाली वासियों की तरफ से और अग्रवाल शॉपिंग सेंटर की तरफ से। गोविंद जी के विधायक तीसरी बार विधायक बने हैं और मंत्री पद जो उनको मिला है उससे मनाली का काफ़ी विकास होगा, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और आपके अपने हिमाचल में भाजपा की सरकार है। तो हमारे को उम्मीद है कि गोविंद जी जो है मनाली का बहुत विकास करेंगे और हम लोगों में अपार हर्ष की लहर है। मनाली वासियों और पूरे कुल्लू जिला के लिए ये बहुत खुशी और गर्व की बात है कि गोविंद जी को मंत्री पद मिला है, जिससे हमारे क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास होगा जो आज तक हम मिस कर पाए। बहुत सालों बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि सेंटर, स्टेट और जिला सब जगह बीजेपी भाजपा का विधायक है और हमारे भाजपा की सरकार है। तो हम उम्मीद करते हैं और हमें यकीन है कि विकास के सारे कीर्तिमान बनाए जाएंगे। जब पता चला आज के हमको मंत्री पद के लिए शपथ दिलाई गई है तो हमें मनाली वासियों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इससे मनाली इस बार वो तीसरी बार विधायक चुन के आए हैं, अभी वो यंग हैं तो मनाली वासियों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम भगवान से भी दुआ करते हैं कि वो मनाली वासियों के जो मनाली वासियों का जो इच्छाएं हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरी करें। हमें बहुत खुशी है कि मनाली से कोई मंत्री बना है, हमें बहुत सारी अपेक्षाएं उनसे, वो विकास के कार्य में बढ़ावा देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे।
वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Patal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Chahata Bazar, Town Mandi. Playway with Crash. Admission also starts Prabhudayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. कला संस्कृति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से सक्रिय हिमाचल प्रदेश की अग्रणी संस्था सूत्रधार कला संगम कुल्लू की ओर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके सेवा में एक संदेश भी प्रस्तुत करना चाहूँगा कि इन दिनों नन्ही प्रतिभाओं को उभारने के लिए सूत्रधार भवन में 25 दिसंबर से कराटे और डांस क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो 11 फरवरी तक चलेगी। 11 फरवरी को ग्रैंड फिनाले होगा। आप सबके आशीर्वाद से इस बार सूत्रधार की टीम ने हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य एवं नाटक में प्रथम स्थान अर्जित करके हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सव में करने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वराज विधायक जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। 27 दिसंबर को शिमला के रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा शासित राज्यों के कई मंत्रियों ने इस समारोह में शिरकत की और इस शपथ समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वराज विधायक जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इसके साथ ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ समारोह को लाइव दिखाने के लिए मंडी के ऐतिहासिक फेरी मंच व चौहटा बाजार में भी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी ताकि आम लोग भी इस कार्यक्रम को देख सकें। इस मौके पर मंडी के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने समारोह खत्म होने के बाद सेरी बाजार में पटाखे व डीजे की धुनों पर डांस किया और अपनी खुशी का इजहार किया। लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कार्य करेंगे और पूरे प्रदेश का निष्पक्ष विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं गरीबी व संघर्षशील रहे हैं और वे सभी लोगों के लिए कार्य करेंगे। नंबर एक तो मंडी जिला के रहने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र के देहाती जीवन में जिए हैं। हिमाचल प्रदेश की कठिनाइयों को, हिमाचल प्रदेश के समस्याओं को और हिमाचल प्रदेश के किसी भी प्रकार की आपदाओं को और वैभव को, हरेक चीज़ को समझते हैं, भली भांति जानते हैं। तो मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जयराम
जैसे व्यक्तित्व जो हाल ही में उभर कर हमारे सामने आया है वो डॉक्टर परमार लालचंद प्रार्थी और ठाकुर करम सिंह जैसे नेताओं के जो प्लान थे हिमाचल के प्रति जो उनका अपना रुझान था उसको जयराम साथ ले करके चलें तो एक सफल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए मैंने आज उनको व्यक्तिगत पत्र भी लिखा है जो प्रेस को मैंने जारी किया है। उसमें कुछ सुझाव मैंने दिए हैं कि हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल का साहित्य, हिमाचल के गांवों और शहरों की समस्याएं, हिमाचल का जनजीवन, हिमाचल का जो चलना फिरना उठना बैठना उसको आपको भली भांति उसको जानते हैं। रिपोर्ट के चैनल जयराम ठाकुर को 13वें मुख्यमंत्री बनने पर पंडोह बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों को 50 किलो लड्डू बांटे और ठाकुर की ताजपोशी पर खुशी जाहिर की। इस मौके पर सुंदर गंडोत्रा ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि जयराम ठाकुर भाजपा के एक युवा नेता है। इस मौके पर सुरेंद्र गंडोत्रा ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि जयराम ठाकुर भाजपा के एक युवा नेता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जयराम ठाकुर प्रदेश में अच्छा काम करे और 20-25 साल तक हिमाचल की सेवा करते रहे। वहीं इंदर सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर सराज और मंडी में खुशी की लहर है। आज हम पंडोह के निवासी सभी मेल बाजार पंडोह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की ताजपोशी के लिए एकत्रित हुए हैं और सब खुशियों के साथ एक दूसरे को लड्डू बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे होनहार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर एक बार नहीं कई सालों तक फिर अगले कई 20-25 सालों तक भाजपा में आए और सेवा करें। इस मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता रवि ठाकुर, प्रेम ठाकुर, बलदेव ठाकुर, इंद्रजीत शर्मा और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। भक्तों चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। ऑल्सो अवेलेबल फॉर फोर्थ कमिंग एग्जाम्स सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18 सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहटा बाजार टाउन मंडी प्ले वे विद क्रैच। एडमिशन ऑल्सो स्टार्ट्स प्रभुदयाल मेमोरियल पॉलिटेक्निक अ यूनिट ऑफ सचदेवा कॉलेज मंडी। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा से भाजपा की नई सरकार बनने के बाद कुल्लू जिला में लोगों में खुशी का माहौल है और लोगों ने नई सरकार बनने के बाद एक दूसरे को बधाई दी। वहीं राजकीय चालक परिचालक संघ के पदाधिकारियों ने ढालपुर में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर विभिन्न जगहों पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। राजकीय चालक परिचालक संघ के जिलाध्यक्ष तुलेराम ने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर लोगों को मिठाई बांटकर खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कर्मचारियों के हितैषी रहे और ऐसे में अब मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि मनाली विधानसभा से गोविंद सिंह ठाकुर तीसरी बार विधायक बने हैं और अब प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं, जिसे कुल्लू जिला के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं और सभी वर्गों के लोगों को उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसे प्रदेश के विकास के साथ कुल्लू जिला के विकास के लिए अच्छा कार्य करेंगे। हमें सभी कर्मचारी भाइयों को जयराम जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जब ये विधायक थे उस वक्त भी इन्होंने भरपूर हमारा सहयोग दिया है कर्मचारियों का। जब भी हम इनके पास गए अपने डिमांडों को लेकर इन्होंने वो आवाज़ आगे तक उठाई है और अब तो हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि अब जो मुखिया जो हमारे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय जयराम ठाकुर जी बने हैं तो उन्हें कर्मचारियों से बहुत उम्मीदें हैं कि जो भी हमारी डिमांडें वो पूरी होगी। और यहाँ पे जो हम आज हमने जो राजकीय अर्धराजकीय चालक प्रचालक महासंघ की तरफ से लड्डू बांटे ये इस खुशी में हमारे आदरणीय गोविंद ठाकुर जी जो लगातार तीसरी बारी कुल्लू के मनाली से विधायक बने हैं उस खुशी में
आज हमने जो है यहाँ पे सभी कर्मचारी भाइयों ने यहाँ खुशी जाहिर की है और उम्मीद है हमें कि अब जो है पूरा कुल्लू जिला चहुंमुखी विकास करेगा। तो मंत्री होने के नाते अब हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, कर्मचारियों को भी उनसे उम्मीदें हैं और पहले भी उन्होंने पूरी की है, अब तो हमें ज़्यादा उम्मीद है। आदरणीय मंत्री जी को मंत्री पद पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। राजकीय अर्धराजकीय चालक परिचालक महासंघ आज उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद। कुल्लू से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बुधवार को जहां शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शपथ ली, वहीं से राज विधायक जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ को लेकर मंडी के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं मंडी शहर में मौसम भी काफी ठंडा और सुहावना बना रहा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, जिसके चलते मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ के मौसम दिल्ली के मौसम में काफ़ी डिफरेंट है। दिल्ली का मौसम अभी बहुत क्लियर है पर यहाँ पे भी बहुत ठंड है और ठंड क्या है ही, मैं देखा, मैं एक्चुअली यहाँ का हूँ भी नहीं। और मैं यहाँ आके मैंने जरा वॉशरूम गया, मैंने फेस वॉश धोया तो इतना चिल्ड पानी, मैं रोंगटे खड़े हो गए ऐसा पानी। बाकी दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम है। मौसम तो सुबह से बादल छाए हुआ आसमान पे और वैसे ना ही सर्दी भी कुछ थोड़ी रिकॉर्ड हो गई है, पर सर्दी तो है। तो एक मंडी वासियों के थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि आज का मौसम और दिन बहुत ही सुहावना है। एक तो हमारे मुख्यमंत्री बन के मंडी जिला के और दूसरे हमारे माननीय अनिल शर्मा जी पशुपालन विभाग और पंचायती राज के मंत्री बने, उससे मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे मंडी के दोबारा मंत्री बन गए हैं और जैसे महेंद्र सिंह जी भी बने हैं, तो मुझे अति खुश होगी। मौसम का आपको क्या ख्याल है, पर हमें इस खुशी की बात है कि हमारे मंडी में मंत्री जी दो मंत्री हैं, हमें इसकी बहुत खुशी हुई। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों का जमकर शोषण हुआ है। संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि उनकी प्रदेश सरकार से मांग है कि हिमाचल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और पेंशनर एसोसिएशनों ने प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों का ख्याल नहीं किया, बल्कि संघों के नाम पर वह मात्र राजनीति करते रहे, इसलिए उनकी मान्यता तुरंत प्रभाव से भंग कर देनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को याद दिलाया कि भाजपा द्वारा जो चार्जशीट राज्यपाल को सौंपी गई है उस पर कार्रवाई की जाए और अगर वह इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा चारों सीटों पर कब्जा करने में सक्षम होगी। ये मांग है वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि अब किसी को भी मतलब जो है एक्सटेंशन ना दें। और बिल्कुल इसके अलावा हमने ये भी कहा है, जो कांग्रेस शासन काल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पेंशन एसोसिएशनों ने जो राजनीतिकरण करा, उनको इमीडिएटली बर्खास्त किया जाए और अच्छे लोगों को आगे लाकर के जो है मान्यता दी जाए ताकि कर्मचारियों पेंशनों का उद्धार हो। और इसके अलावा हमने आज हम ये मांग और भी करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी से और हमें पूरी उम्मीद है कि ये उसे जरूर लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्यपाल जी को चार सीट सौंपी थी, उस चार सीट पर कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए। अगर उस चार सीट पर कार्रवाई तुरंत हुई तो चारों लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीतेगी। रिपोर्ट के चैनल के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। जयराम ठाकुर द्वारा सीएम पद की शपथ लेते ही झूम उठी छोटी काशी मंडी। मंडी जिला को सीएम के साथ मिली दो कैबिनेट मंत्रियों की सौगात। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों का जमकर हुआ शोषण। सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान बोले युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा।
बीती 21 दिसंबर को मंडी बस स्टैंड पर बम होने की झूठी अफवाह फैलाने वाले युवक ने घर पर अपनी मां के न होने के कारण किया था कारनामा। रियल गेम खेलता था युवक, इस कारण हो गया था युवक को साइको। और पंडो स्कूल के बच्चों ने किया पुलिस चौकी और पंचायत घर का भ्रमण, बच्चों को कानून व्यवस्था और यातायात की दी गई जानकारी।